अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों, ठीक है, यानी हम लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। इसको करने से पहले हम एक डायग्राम, मतलब इसी में हम एक डायग्राम को समझ लेते हैं कि ए पॉइंट पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ है, यू वेलोसिटी के साथ है, और अभी हमारा टाइम हुआ है टी वन बच्चों। अब क्या होता है, फोर्स लगती है उस ऑब्जेक्ट पे, अब वो बी लोकेशन पे है कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। अभी टाइम हो चुका है टी टू, और इस पूरे सिनेरियो में जो टी टू माइनस टी वन हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं टी टू, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u at a at time t1। अब क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई कर दी, लेट f क्या है, फोर्स है अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। सो क्या हो गया कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो गई किसकी, ऑब्जेक्ट की ऑन बी पे, कब, जब टाइम हुआ टी टू हुआ, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या अप्लाई पढ़ा था कि हमने पढ़ा था बीनो, हमने स्टेटमेंट जो पढ़ी थी वो थी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी वाई डी टी। तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या होने वाला है, डी पी क्या होने वाला है, dp का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, और ये प्रोपोर्शनल सिंबल p2 फाइनल मोमेंटम। इस कंडीशन में देखना फाइनल मोमेंटम क्या है, इसमें हम ऑब्जेक्ट कितने मास का ले रहे हैं, m मास का ले रहे हैं, तो यहां पे जो मोमेंटम होगा फाइनल वो होगा मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी मास और इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय dt कितना है, वो हमारे पास है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ओके। और T2 माइनस T1 को हमने क्या कर रखा है, dt कर रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये दोनों बातें मैंने यहां से बता दी, और dt जो टाइम टेकन है मैंने बता दिया वो dt है, यानी ये है। तो इसमें देखिए ध्यान से कॉमन क्या आता है राइट हैंड साइड में, m v माइनस u अपॉन dt आ गया। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था। तो ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया एम, ये हमारा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हो गया हमारा एफ। अच्छा, तो जब हम एक प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे एम ए, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, कांस्टेंट लगाए बिना ये साइड इसके बराबर नहीं हो सकती। अगर हम कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे, इसकी कोई वैल्यू है जो नहीं डालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स है तो राइट हैंड साइड फोर्स नहीं बनेगी। तो हमें कांस्टेंट का सही से यूज करना है कि राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू आए और विद डायरेक्शन, और लेफ्ट का जो भी वैल्यू आए विद डायरेक्शन, वो दोनों सेम आए। हम आगे स्टडी करेंगे कि इसमें जो k का वैल्यू है वो 1
वन हो जाएगा। ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब ये वन हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू वन इन टू एम ए बनेगा और एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यही है बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।